एवरीवन, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप फोटोशॉप में 3D इंस्टाग्राम फोटो फ्रेम इफेक्ट लगा सकते हो और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, तो मैं अब इस पे आपको इफेक्ट लगा के दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लेंगे एंड देन हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें नहीं चाहिए। डिलीट करने के बाद हम इस पूरे स्क्रीनशॉट को इंस्टाग्राम पोस्ट के साइज में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर क्रॉप टूल लेना है और यहाँ से हमने रेशो 4:5 सिलेक्ट करनी है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ये उस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। तो आपको जितना भी सिलेक्शन चाहिए आप कर सकते हो, तो अभी हमें इतना सिलेक्शन चाहिए। तो उसके बाद हम एंटर कर देंगे। अब उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर इमेज प्लेस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो फाइल में जाके हम प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक उसी फाइल में पेस्ट हो जाएगी और साइज भी सेम रहेगा। आपको छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। उस आने के बाद आप एंटर कर दो, उसके बाद कंट्रोल टी करके आप साइज बड़ा घटा सकते हो। ये आने के बाद आप इसे इंस्टा शॉट जो हमारी लेयर है उसके नीचे आप ले आओ एंड हम इसे बैकग्राउंड इमेज लिख देंगे। देन हम साइज भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा परफेक्ट लग चुका है। देन हमें यहाँ पर्सन की फोटो लगा सकते हो, आप अपनी भी लगा सकते हो। सीधा फाइल में जाएंगे और फिर प्लेस एम्बेड पे क्लिक कर देंगे। देन हमें सेलेक्ट करके प्लेस सीधा उतने साइज में वो इमेज आ जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, मॉडल लेयर को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद सिंपली मैजिक टूल पे क्लिक करो और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। सिलेक्ट सब्जेक्ट होते ही ये गर्ल को सिलेक्ट कर देगा। अगर बैकग्राउंड स्ट्रैक्ट हो तो हम पेन टूल का इस्तेमाल करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट हो चुका है, अब हम उसको मास्क कर देंगे। तो हम नीचे जाएंगे और मास्क पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मास्क पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही इमेज आपको दिखेगी और बाकी सारी मास्क हो जाएगी। तो सिंपली फिर आप इसको एडजस्ट करो जहाँ भी आपको चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको यहाँ फिट कर देता हूँ। देन एडजस्ट करने के बाद हमें सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉप शेडो लगाएंगे। तो हम मॉडल पे जाएंगे और राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देंगे। तो आप नॉर्मल रख लो, एसटी आप जितनी मर्जी रखना चाहो रख सकते हो एंड देन ओके। उसके बाद आप यहाँ ड्रॉप शेडो पे जाओ और राइट क्लिक करो और क्रिएट लेयर पे क्लिक कर दो एंड ओके। क्रिएट लेयर जैसे ही क्रिएट हो जाएगी तो आप ये देख सकते हो कि ड्रॉप शेडो अलग हो जाएगा। तो सिंपली आप ड्रॉप शेडो उसको बैक रखो, इस ड्रॉप शेडो को आप कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। फिर फिल्टर पे जाओ और ग्लेशियर ब्लर पे क्लिक कर दो। जितना भी आप ग्लेशियर ब्लर बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो, इतना बढ़ाया। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना, आपने यहाँ आपके ड्रॉप शेडो ओके है बट यहाँ पर ड्रॉप शेडो नहीं चाहिए। तो सिंपली हमें क्या करना, हम इसको भी मास्क करेंगे एंड देन हम यहाँ से ब्रश लेंगे। यहाँ ब्लैक होना चाहिए क्योंकि मास्किंग व्हाइट है। देन हम साइज बड़ा करेंगे ब्रश का, अब इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो थोड़ा लुक और अट्रैक्ट दिखाने के लिए। तो सिंपली हमारा 3D इंस्टाग्राम फोटो फ्रेम इफेक्ट हो गया है। अब हम इसे पोस्ट करके देखेंगे कि क्या रियली ये वर्क कर रहा है। तो सिंपली हमने पोस्ट किया और अब मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। और ये रही पोस्ट के स्क्रीनशॉट, नहीं ये अपने प्रोफाइल पे डाल के दिखाया है और लिटरली बहुत ही नाइस लग रहा है, विजिबल भी लग रहा है। तो देखा आपने, सिंपल स्टेप से आप ही 3D इंस्टाग्राम फोटो फ्रेम इफेक्ट लगा सकते हो और अपने इंस्टाग्राम को और अट्रैक्टिव और 3D लुक दे सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और रीशेयर करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।